सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे सीरीज पैरेलल बोर्ड बनाया जाता है। तो ये उसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। पहले मैं आप लोग को बोर्ड बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सर्किट भी एक्सप्लेन कर दूंगा और बोर्ड को टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। तो देखिए, ये बोर्ड है, ये आपको मार्केट में ऐसा मिल जाएगा। तो अभी मैंने फ़िलहाल 6 सॉकेट मतलब मीन्स 6 होल वाले बोर्ड ख़रीदा है। तो मैंने ऐसा वाला ख़रीदा, आप पूरा स्ट्रेट वाला भी ख़रीद सकते हो, उसका भी मैं आपको सर्किट डायग्राम दे दूंगा। तो देखिए, अपने को यहाँ पे फ्यूज़ लगाना है, इंडिकेटर, 2 स्विच और 2 सॉकेट लगाना है, और यहाँ पे अपना लैंप होल्डर आएगा, उसमें अपने को बल्ब कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं आप लोग को पहले बना करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे सॉकेट एंड स्विचेस और इंडिकेटर एंड फ्यूज़ सब कनेक्ट कर दिया है। तो इसका मैं वायरिंग भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, सर्किट के अकॉर्डिंग जो फेज़ है, वो मेरा जो वायर है वो डायरेक्ट जाएगा, ये जो फ्यूज़ है यहाँ पे, ये फ्यूज़ में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो मैंने फ्यूज़ में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। फ्यूज़ के बाद से वो वायर निकल के जाएगा इंडिकेटर में। तो इंडिकेटर में देखिए, ये जो वायर है रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाला वायर इंडिकेटर में गया है। इंडिकेटर से जाने के बाद सीधा वो स्विच में जाएगा। तो ये स्विच से देखिए, डायरेक्टली ये यहाँ पर आया है, ये स्विच यहाँ पर इधर पर कनेक्ट हुआ है। फिर इस स्विच से दूसरे स्विच में जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये दूसरे स्विच में गया। फिर इस स्विच से निकल करके सॉकेट में जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉकेट में लगा दिया। फिर उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट होगा। और ये देखिए, ये स्विच का जो है, ये सेकेंड वाला, ये डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो सर्किट के अकॉर्डिंग मैंने देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से निकल करके ये लैंप में जाएगा, और ये वाला न्यूट्रल भी लैंप में जाएगा। तो ये मैंने पीछे साइड इधर पर होल्डर में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। दोस्तों, इसमें अर्थिंग का उतना नेसेसरी नहीं है, तो आप लोग चाहिए तो अर्थिंग वाले वायर को टेप लगा करके छोड़ भी सकते हैं। आप लोग को अगर लगता है ऐसा कि लगाना चाहिए तो लगा भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट उसका उतना नीड नहीं है। तो ऐसे उसे टेप लगा करके अंदर छोड़ दें। ये जो देखिए 3 पिन प्लग है, प्लग में ना जो फेज़ है वो फेज़ कनेक्ट होगा इधर पे, मतलब राइट हैंड साइड में, और न्यूट्रल कनेक्ट होगा यहाँ पे। अर्थिंग को मैंने टेप लगा के छोड़ दिया है, वैसे ही आप लोग चाहिए तो कनेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। बल्ब लगाने के बाद ये बात का ध्यान रखिए कि जो जैसे आपने जो इसका जो ये मेन इनपुट आ रहा है फेज़ एंड न्यूट्रल, उसके लिए हमेशा 3 पिन प्लग ही यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे अगर मैंने 2 पिन यूज़ किया तो कौन सा फेज़ है कौन सा न्यूट्रल अपने को पता नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि फेज़ में अगर न्यूट्रल वाला वायर लग गया हो तो वो यहाँ से मतलब रॉन्ग पाथ क्रिएट करेगा, न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगा और फेज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो फ्यूज़ में न्यूट्रल आएगा, ठीक है। इसके लिए हमेशा यहाँ पे 3 पिन प्लग ही यूज़ करें। तो चलिए मैं इसको आप लोग को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, टेस्ट करने के लिए ये जो 3 पिन है उसको नॉर्मली कोई भी बोर्ड में लगा देंगे। मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने के बाद देखिए इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, अभी नहीं इंडिकेट कर रहा है, अभी इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट करना चाहिए, इसका मतलब शुरू हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो सीरीज़ और पैरेलल बोर्ड में है,
कि जो सीरीज बोर्ड होता है आप लोग उसको इंडिकेट करके रखें। जैसे अभी मुझे पता है कि ये कि फ्यूज़ और इंडिकेटर के नीचे वाला मेरा सीरीज़ बोर्ड है और ये वाला मेरा पैरेलल बोर्ड है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि सीरीज़ बोर्ड आपको नोन होना चाहिए। अगर टेस्ट करते समय आपने पैरेलल बोर्ड में लगा के टेस्ट कर दिया तो फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा। अगर फ्यूज़ ब्लो नहीं हुआ, इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपके घर का MCB ट्रिप हो जाएगा, जल भी सकता है। ठीक है, पैरेलल सॉकेट में कभी ना टेस्ट करें सीरीज़ को, उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके लिए हमेशा इंडिकेशन दे के रखें और सीरीज़ में ही सीरीज़ को टेस्ट करें। तो अब ये देखिए मेरा जो इसके नीचे वाला ये सीरीज़ है, तो इसमें क्या करना, नॉर्मली मैंने जैसे ये एक प्लग में 2-पिन प्लग में लगाया और दो वायर के इसके आउटपुट में रख दिया है। ठीक है, तो क्या करना है, इसे नॉर्मली ऐसे कनेक्ट करना है सॉकेट में। तो स्विच को ऑन करेंगे, देखिए अब जब भी अभी इसको आप टच करेंगे तो लैम्प ग्लो करेगा। ठीक है, तो आपको जिस इक्विपमेंट को टेस्ट करना हो उसमें आप ये दो वायर कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट को आप सीरीज लैम्प से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने पैरेलल क्यों बनाया, यहाँ पे पैरेलल इसलिए बनाया कि जब भी आप सीरीज में कोई भी इक्विपमेंट चेक कर रहे हो, चेक करने के बाद आपने जैसे आप चेक किया, उसका फॉल्ट क्लियर किया, फॉल्ट क्लियर करने के बाद आप उसे एंड में पैरेलल में लगा करके चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। मतलब डायरेक्टली आप लोग कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बताया था, ये डायग्राम नॉर्मल जो मैंने बनाया वो वाले बोर्ड का था। अगर आप लोग के जैसे आप लोग ने पूरा सीधा वाला बोर्ड चाहिए आप लोग को, तो उसका भी मैं सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये उसका सर्किट डायग्राम है। तो लैम्प तो आप लोग को ऊपर ही लगाना पड़ेगा, बट आपने फ्यूज़ नीचे लगा दिया, इंडिकेटर नीचे लगा दिया, फिर स्विच, फिर एक सॉकेट, फिर स्विच, एक सॉकेट। याद रखिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो सीरीज़ जो भी आप सॉकेट बनाएंगे उसको इंडिकेट करके रखें। जैसे अभी यहाँ पे चाहिए तो कलर कोड से इंडिकेट कर दें कि ये सीरीज़ है, या मतलब कुछ कलर लगा दें या कुछ भी कर दें जो जिससे हमेशा आपको नोन रहे कि ये सीरीज़ बोर्ड है। गलती से भी आपने पैरेलल बोर्ड में लगा करके चेक किया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।